जय जिनेन्द्र। जैन गौरव गाथा में आपका हार्दिक स्वागत है। जैन गौरव गाथा नाम की सीरीज़ हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पर शुरू की है, जिसमें हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने जैन धर्म के नाम को एक नया सम्मान दिया है, जैन धर्म को एक नया गौरव दिया है देश विदेश में और विश्व स्तर पर। आज हम जिन जैन गौरव की बात करने वाले हैं उनका नाम है दानवीर भामाशाह। भामाशाह जी का जन्म 29 अप्रैल सन 1542 को मेवाड़ प्रांत में हुआ। इनके पिताजी रणथंभौर के किलेदार थे, उनका नाम था भारमल। भामाशाह जी प्रसिद्ध व्यापारी थे और बहुत पैसा था, बहुत सारी संपत्ति उनके पास में थी। और जब महाराणा प्रताप सब कुछ उनका लुट चुका था, जब वह युद्ध में सब कुछ हार चुके थे, उनका राज्य उनके पास नहीं रहा, तब भामाशाह जी उनके पास पहुँचे और उनको मदद की। उनसे कहा कि आप हमारे राजा हैं, अगर राजा ही इस प्रकार से जंगलों में भटकते हुए रहेंगे तब हम जैसी प्रजा का क्या होगा। और उन्होंने उनको एक नई चेतना दी, उनसे कहा कि आपका राज्य चला गया है, कोई बात नहीं, मेरे पास जितना पैसा है आप सारा पैसा ले लीजिए, लेकिन हमें अपना राज्य, अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दे दी। कहते हैं उन्होंने इतनी संपत्ति दी जिससे 25,000 सैनिकों का 12 साल तक का खर्च चल सकता था। महाराणा प्रताप ने सारी सेना जुटाई, युद्ध करने में लग गए और युद्ध किया और जीत गए। जीतने के बाद में जब वह राज्य को उन्होंने पुनः प्राप्त किया, तो प्राप्त करने के बाद में भामाशाह जी को प्रधान की गद्दी दे दी, उनको अपने राज दरबारी बनाया और विशेष सम्मान दिया। और उसके बाद से फिर परंपरा चलती रही, उनके जो वंशज थे भामाशाह जी के, उनके वंशजों को भी प्रधान पद देते रहे, उनके जो उत्तराधिकारी जो रहे मेवाड़ प्रांत के, क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दे दी मातृभूमि की रक्षा के लिए। जो कुछ भी उन्होंने कमाया था सब कुछ उन्होंने दोनों हाथों से लुटा दिया और कह दिया कि जो कुछ भी है इस मिट्टी का है, इस देश का है, यहाँ के लोगों का है, मेरा कुछ भी नहीं है। और यह सब देखते हुए आज भी उनके जो वंशज हैं, जो उदयपुर में कांवड़िया परिवार के नाम से जाने जाते हैं, आज भी ओसवाल जैन समाज का कोई भी कार्यक्रम होता है, सबसे पहले उनके वंशज जो हैं उनको आकर के बुला करके उनका सम्मान किया जाता है, उनका तिलक किया जाता है, उसके बाद में फिर कार्यक्रम की शुरुआत होती है। भारत सरकार ने भी 31 दिसंबर सन 2000 में एक 3 रुपये का डाक टिकट जारी किया था भामाशाह जी को सम्मान प्रदर्शित करते हुए। और राजस्थान सरकार ने भी भामाशाह योजना चलाई हुई है पिछले कुछ सालों से, जिसमें भामाशाह जी के नाम को लेकर के वह योजना शुरू की गई है, जिसमें गरीब लोगों को, जो कि गरीब हैं, उनको भोजन राशन इत्यादि देने की ये सुविधा सरकार ने दी है। तो भामाशाह जी ने ऐसा काम कर दिया है जिसके कारण से पूरे देश विदेश में दान वीरता के लिए और दान के लिए हर जगह उनकी यश गाथा गाई जाती है। दोस्तों 1600 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी और उदयपुर में आज भी उनकी समाधि है, जहाँ पर राजाओं की समाधि बनी है उसी के बीच में भामाशाह जी की भी समाधि वहाँ पर बनी हुई है। उनकी जो हवेली थी वो चित्तौड़गढ़ तोपखाने के पास में है, लेकिन अभी वह ठीक हालत में नहीं है। साथ ही साथ में जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने भी दानवीर भामाशाह सम्मान नाम से एक पुरस्कार दिया, हर साल देती है छत्तीसगढ़ सरकार उन लोगों को जो सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जो कि हर साल जो राजस्थान में मेरिट में आने वाले छात्र हैं उनको दानवीर भामाशाह पुरस्कार देता है। आज भी जो कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन संपत्ति का दान करते हैं या परोपकार के कार्य करते हैं, उनको आज भी भामाशाह कह करके लोग बाग उनको भामाशाह कह करके पुकारते हैं। इसलिए क्योंकि भामाशाह जी एक ऐसे उदाहरण बन गए हैं दानवीरता के, और जिन्होंने जैन धर्म की यश गाथा में, कीर्ति पताका में 4 चांद लगा दिए हैं। ऐसा ही नहीं है कि केवल भामाशाह जी ही बहुत दानवीर थे, उनका पूरा परिवार ही दानवीरता की एक मिसाल रहा है। उनके भाई ताराचंद जी जो थे उन्होंने दिलवाड़ा का माउंट आबू में मंदिर बनवाया। माउंट आबू का मंदिर इतना प्रसिद्ध और बहुत अच्छा मंदिर है, आप उसको देखेंगे तो आप कहेंगे ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। ऐसा मंदिर उनके भाई ने बनवाया और उनके वंश की परंपरा ही चलती रही कि देश के लिए, समाज के लिए और लोगों के लिए परोपकार करना है
और दान देना है और सबका सहयोग करना है, ऐसी भावना हम सबके मन में भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आप लोगों ने जैन गौरव गाथा में दानवीर भामाशाह जी के बारे में जाना है। हम अगले वीडियो में आपको एक नए जैन गौरव से आपका परिचय कराएंगे और आपको उनके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।